इन्फिल्ट्रेशन, वर्ड सुनते ही माइंड में एक पिक्चर बन जाती है। इन्फिल्ट्रेशन यानी कि इंडो पाक बॉर्डर, इन्फिल्ट्रेशन यानी कि टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन यानी कि जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन, परसेप्शन है ना। इन्फिल्ट्रेशन का नाम सुनते हैं मीडिया भी, आम व्यक्ति भी ब्लेम करना शुरू कर देता है इमीडिएटली, बीएसएफ की गलती है, आर्मी की गलती है, जम्मू कश्मीर पुलिस की गलती है कि इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो पा रही है। लेकिन मेरे हाथ में इस समय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा है। जब राज्यसभा में ये पूछा गया कि पिछले 3 सालों में कितनी इन्फिल्ट्रेशन हुई है, किन किन कंट्री से इन्फिल्ट्रेशन हुई है, तो डेटा ये बताता है कि पाकिस्तान से पिछले 3 सालों में इतनी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई जितनी बांग्लादेश से हुई है और जितनी म्यांमार से हुई है। सवाल ये पूछा गया कि कितने ऐसे इल्लीगल लोगों को एंटर इंडिया में एंटर करते हुए पकड़ा गया है, अप्रिहेंड किया गया है, जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि 2018 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है उसकी तादाद घटी है, लेकिन बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है उसकी तादाद भी बढ़ी है, और जो म्यांमार से इन्फिल्ट्रेशन हुई है उसकी तादाद भी बढ़ी है। लेकिन बात हमेशा होती है इंडो पाक बॉर्डर की, क्योंकि बिकता वही है। बात करते हैं कि कितनी इन्फिल्ट्रेशन हुई। पाकिस्तान की अगर मैं मेंशन करूं, 2018 में 50 लोगों को इन्फिल्ट्रेट करते हुए पकड़ा गया था, 2019 में ये फिगर घटकर 46 हो गया, और 2020 में और ज़्यादा घटकर 20 हो गया। यानी कि 20 लोगों को पकड़ा गया जो पाकिस्तान से इंडो पाक बॉर्डर के ज़रिए हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश की, तो फिगर कंपैरिजन में ज़रूर देखिएगा, 2018 में 825 लोगों को पकड़ा गया जो बांग्लादेश से हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। 2019 में ये फिगर बढ़कर 1044 हो गया, 1044, और वहीं 2020 में 943 लोगों ने बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आने की कोशिश की। आप समझें कि कहां पाकिस्तान से 20 लोगों ने 2020 में हिंदुस्तान आने की कोशिश की, और बांग्लादेश से 943, कितने टाइम्स ज़्यादा जो है वो इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश से इंडिया में होने वाली थी, लेकिन उन लोगों को पकड़ लिया गया। वहीं तीसरी ओर बात करें म्यांमार की, म्यांमार से 2018 में 91 लोगों को इन्फिल्ट्रेशन करते हुए पकड़ा गया, 2019 में 137 लोगों को इन्फिल्ट्रेट करते हुए पकड़ा गया, और 2020 में 97 लोगों को इन्फिल्ट्रेट करते हुए पकड़ा गया। ये फिगर भी जो है पाकिस्तान के कंपैरिजन में कई ज़्यादा है। लेकिन बात आखिर पाकिस्तान की ही क्यों होती है और इन जगहों की क्यों नहीं होती। वहीं ये भी समझना होगा कि ये भी सवाल पूछा गया कि अभी तक ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इलीगली इंडिया में इन्फिल्ट्रेट सक्सेसफुली कर लिया है। तो ये कहा गया कि क्योंकि ये इलीगल घुसपैठिए देश के अंदर छुपकर घुसते हैं, इस वजह से कोई करेक्ट एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता कि टोटल नंबर इन इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का कितना है। जो फिगर बताई गई है वो उन लोगों की है जो घुसपैठ कर रहे थे लेकिन पकड़े गए, अप्रिहेंड किए गए। वहीं अगर कोई भी घुसपैठ करता हुआ पकड़ा जाता है भारत में, तो कानून भी साफ है, पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920 के तहत, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 के तहत, और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत, साथ साथ में सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत जो है उन इलीगल लोगों को जो इलीगली देश में घुसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। केंद्र सरकार के पास ताकतें हैं कि अगर कोई भी इलीगली देश में घुसपैठ करता है तो उसे क्या किस तरीके से डील किया जाना चाहिए, और ये ताकतें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 258(1) और आर्टिकल 239(1) जो है केंद्र सरकार को देता है। उसके अलावा केंद्र सरकार के पास ताकतें हैं सेक्शन 32(e) और 32(c) फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत कि किसी भी ऐसे इलीगल व्यक्ति को जो घुसपैठ करके देश में घुसा है उसे डिटेन भी किया जा सकता है और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इलीगली देश में घुसा है और इलीगली देश में रह रहा है, ये ताकतें तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 ने ही केंद्र सरकार को दे दी थी। ये ताकतें तो 1958 से केंद्र सरकार ने अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को दे दी थी। तो ये ताकतें अगर ऑलरेडी सरकार के पास है तो हंगामा आज क्यों है।